हेलो दोस्तों, आज हम वी शेप वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमने इसका पहले शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर मैंने इसमें 6 इंच रखा है और 6 इंच पर हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। और इसका हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसे राउंड शेप देते हैं, गोल कर देंगे इसे। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच। और इसे भी एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद इसे भी राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से गोल कर देंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा इसे डाउन कर देंगे। अब हम चेस्ट पर चलते हैं। तो हमने इसे 32 इंच का बनाया है, तो 8 इंच पर निशान लगाया। तो मार्जिन के लिए 2 इंच ले लिया इसमें। और यहाँ से हमने कमर 30 से 7.5 रख ली। जितना हमने ऊपर रखा उतना ही हमने नीचे रख दिया। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो इसमें। तो हम इसमें वी शेप देंगे। तो हमने इसमें शोल्डर 4.5 रखा है, सॉरी नेक 4.5 रखा है। और गले की लेंथ यहाँ हमने 7 इंच रखी है, 7.5। और इसे इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें प्रिंट शेप देंगे इसमें, इस ब्लाउज को। तो हमने यहाँ से हमने 10 इंच पर निशान लगाया। तो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे। ये हमारा 4 इंच। यहाँ से हम अपनी बेल्ट बनाएंगे और 3.5 लेंगे यहाँ से। और 2 इंच हम, सॉरी 2.5 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। अभी इसको हम लाएंगे। और इस तरह से। और इसका शेप देंगे इस तरह से, इसे अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए। तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रिंट शेप बनकर तैयार होगा। यहाँ से हम अपने बेल्ट को उठाएंगे 1/4 इंच इस तरह से। और यहाँ से भी। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। तो हम डायरेक्ट इसमें जो हमने 1/2 इंच लिया था उस पर ही कटिंग करनी है। और यहाँ से डाउन कर देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी बेल्ट होगी। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई। अब हम गले की कटिंग करेंगे इसमें। ज़्यादा इसे वी से हल्का से इस तरह से गोल कर देंगे। और जब हम इसकी कपड़े पर कटिंग करेंगे तो ये तो हमारा 1 पीस हो गया, ये हमारा 2 पीस हो गया। जब हम इस पर कपड़े पर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें, सॉरी ये तो हमने काटा ही नहीं,
तो ये हमारा इस तरह से कट जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, और दूसरे पीस में भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना आधा आधा इंच, जिससे कि हमारी जो पफ बनेगी वो छोटी नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। और नीचे से हम बेल्ट अपने ज्वाइंट कर देंगे, और गले में हमने डिजाइन दिया है, तो हम पहले हम डिजाइन का शेप देंगे इसमें। तो मैंने इस तरह से डिजाइन दिया है इसमें, तो आप इस ऐसा बना कर लेस भी लगा सकते हो, कपड़े का भी ऐसे ही बना के लगा सकते हो गले में, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो मैं इसमें कपड़े का ही बना के लगा रही हूँ इसमें, तो इस तरह से आएगा। अब हम इसी पर ही हमें कटिंग करनी है। जैसा हमने शेप दिया है उसी पर ही हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से हम जितना आपको चौड़ा रखना है वो रख सकते हो, तो मैं इसमें इतना चौड़ा रख रही हूँ। तो इस तरह से हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी पर कटिंग कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये लगाने के लिए तो आप लगा सकते हो, अब कपड़े का बनाना है तो ऐसे काटना पड़ेगा। और यहाँ से हम फ्रंट की तरफ में खुला रखेंगे। अब इसमें ऐसे रखूंगी, फ्रंट बैक की तरफ खुला रखूंगी मैं इसमें। इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, इस तरह से ये होगा हमारा फ्रंट का। और यहाँ से हम अपने पफ ज्वाइंट कर देंगे जहाँ जो हमने काटा था, इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हमारा नेक बन जाएगा डिजाइन वाला, और ये हमारी बेल्ट हो गई। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।